खाना है वहाँ फिर बहुत दाल चावल, वो दाल चावल खाए थे तो घर पे खा लेते, इतना दूर निकले कि हम बाहर निकल गए दाल चावल में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके, सब खैर खैरियत। हम आ गए, सेट हो गए थोड़ा, लेकिन फर्स्टली पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यार ऑब्वियसली सबको पता है आप मौसम वगैरह बदल रहे हैं, तो तबीयत मेरी आजकल डाउन है, नज़ला गला ख़राब वगैरह है, तो अगर इस वीडियो में थोड़ी सी एनर्जी डाउन हुई तो उसके लिए अभी से माजरत करता हूँ। लेकिन मैं इस हालत में बहुत ही स्पेशल वीडियो ना आप लोग के लिए ले आया हूँ, जो आप लोग टाइटल तो पढ़ चुके होंगे। तो ये बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि अभी तक ऐसी वीडियो मेरे चैनल पे आई नहीं है, ठीक है। यूजुअली लोग जब मुझसे पूछते हैं ना कि यार, एक बड़ा कॉमन सवाल है सबके साथ ही कि आपकी सबसे ज्यादा किस सिबलिंग से बनती है, सबसे ज्यादा क्लोज किसके साथ है, दोस्ती वगैरह हर चीज, तो इसका मेरा पता है क्या आंसर है, बड़े मजे का है। क्योंकि ग्रोइंग अप बाबा भाई मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, क्योंकि सारे जो अतरंगी काम होते थे ना, जैसे कैनोपी पे चढ़ जाना, मट्टी में खेलना, और जितनी हमारी गेम्स होती थी वो सारी मेरे और बाबा भाई के बीच में होती थी। क्योंकि तैमूर भाई ये थे कि थोड़े बड़े हो गए तो सब उनका मूड नहीं होता था, और बहन कहती थी कि भाई ये क्या चीज़ें तुम लोग कर रहे हो, भाई मुझे नहीं करनी है भाई, और तो बारहवीं और मैं निकल जाते थे सब करने, चोटें लग रही है सब कुछ। तो ग्रोइंग अप फिर मेरी और बारहवीं की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बट ऑब्वियसली बड़े होते रहे फिर बारहवीं को ये काम वगैरह आना शुरू हो गया, फिर उनकी शादी भी हो गई, तो जो मेरी और मेरी बहन की दोस्ती थी ना वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई। हम लोग यूके में रहे थे, मैं और वो और अम्मी अबू होते थे, तो वहाँ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। और उसके बाद फिर एक होता है ना, जो आप चीज़ें अम्मी के साथ नहीं शेयर कर सकते और भाइयों के साथ शेयर कर सकते, वो चीज़ आप शेयर करते हो अपनी बहन के साथ, तो मेरी उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। प्लस वो फिर पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो मुझे पढ़ाई में बहुत हेल्प करती थी, उस तरह मेरा फ़ायदा होता था, और जैसे कहीं पिक ड्रॉप कर रहे हैं वो मैं करता था, तो बड़ी अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, तैमूर भाई के साथ ना मेरी बहुत ही फन रिलेशनशिप थी, जिसमें क्योंकि तैमूर भाई और मेरी ना टेस्ट होते हैं चीज़ों में वो बहुत सेम थे। जैसे कोई भी चीज़ ले लें आप, स्पोर्ट्स ले लें आप, क्लोथिंग ले लें, फूड ले लें, मेरे और तैमूर भाई की चीज़ें बहुत मैच करती हैं, तो वो मेरा रात को लेट नाइट स्नैक पार्टनर भी है, जिसके अंदर यूजली पूरा घर सो चुका होता है, एक नॉक आता है दरवाजे, मुझे पता होता है तैमूर भाई है, वो आते हैं कहते हैं यार भूख लग रही होगा, मुझे उस वक्त हमेशा लग रही होती है, पता नहीं क्या कोइंसिडेंस है। तो हम लोग यूजली कुछ ना कुछ उस वक्त खाने का भी ढूंढ रहे होते हैं, और उनको भी खाने का बड़ा अच्छे खाने का शौक है, मुझे भी, तो उस तरह हमारी उसमें बहुत बॉन्डिंग होती है। बाकी उनसे बड़े अच्छी अच्छी एडवाइसेज भी मिल जाते हैं, तो वो मेरे लिए एक और फ़ायदा है। तो ओवरऑल हर सिबलिंग के साथ मेरे ख्याल से सबके एक डिफरेंट रिलेशनशिप होती है, बीएड के दोस्ती ज़्यादा है या फिर एक अलग किस्म की। तो मेरे सिबलिंग से इस तरह में बहुत अच्छी दोस्ती रही, ऑल्सो बिकॉज मैं सबसे घर में छोटा था, तो सबसे दोस्ती एक थी, एक सबका अलग प्यार भी था, तो इस तरह ना मैं बड़ा लकी रहा हूँ। एज यू ऑल नो, इस घर में ऑलरेडी एक यूट्यूबर है, और सिर्फ यूट्यूबर नहीं है, बड़े सक्सेसफुल यूट्यूबर है जिनका सब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, तो अभी तक आप लोग की मुलाकात नहीं हुई मेरे चैनल पे। तो आज ना मैंने उनको एक टाइम पे, थोड़ा रात टाइम पे ना टाइम में मैंने फंसा लिया, मुझे पता है वो अवेलेबल होंगे, वहाँ मैंने उनको पकड़ना है, क्योंकि मेरा मूड है उनके साथ कुछ आज फन सा कुछ करने का। तो अभी मैं जाऊँगा, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करूँगा, बिल्कुल बुला ही नहीं जा रहा अभी मुझसे, तो उसके बाद आप लोगों ना रात को कैचअप करते हैं, तो उनको तब मुलाकात होती है, ठीक है। यार इनका भी कुछ करना पड़ेगा यार, ठीक है आ जाओ। असद भाई बना रहे हैं कुछ अच्छा सा डालना, परफेक्ट हो गया। हाँ भाई, थोड़ा नैप वगैरह हो गई है, और अब है कि हम जा रहे हैं मिलने बड़े स्पेशल गेस्ट से, जो हमारे घर में ही हैं, जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, और अभी तक मेरे चैनल पर इंट्रोड्यूस नहीं हुए, तो मैंने कहा कि यार एक बार उनसे मुलाकात तो लाजमी है ना, तो आ जाओ। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं, इनको आप सब लोग फॉलो करते हैं, इस घर के तो पायोनियर है यूट्यूब के। भाई कैसे? All good, all good. कई दफा मैं YouTube चैनल पे आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, नहीं हो सका। हाँ
भाभी आप तो पाए नहीं ना यूट्यूब के इस घर में। यार मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि मैंने इस वक्त जाना है फोन की एप्पल की, मेरे पास हेडफोन्स नहीं है। ठीक है, सो आई हैव टू गो एंड गेट द हेडफोन्स। इसमें स्पेशल क्या है? या मैं डिनर पे लेकर जा रहा हूँ आज, जहाँ बोलो, और एक बड़ी मजे की ड्रिंक भी पिलाता हूँ चल के। तो चले अभी, मतलब हम ये काम भी कर रहे हैं, ये काम भी, और साथ में खाना भी, पेट पूजा भी हो रही है यार। वो तो हमारी लाजमी है ना, मैंने मजाक के अलावा कुछ भी नहीं खाया। आ जाओ भाभी, हमारे मुल्क के हार्ड वर्किंग लोग, इन पे क्या है आपका यार, इतना अच्छा all the effort, ट्रैफिक बचा के रखा हुआ है, बेहतरीन है यार। We should respect them. We should respect them. We needed this thing, जो connector, जो direct headphone से लेके उसमें जाती है। तो भाभी अभी ATM में गए हुए हैं, पीछे हम रहने का, आप लोग बता दें थोड़ा सा के प्लान क्या है मेरा। अभी थोड़ा सा उनका मूड था कुछ खाने का, तो हो सकता है कुछ हम उठा लें खाने के लिए। बाकी ये है कि कुछ सवाल थे जो जब मैंने क्यू एन ए पूछा था ना, तो आप लोगों ने सवाल सेंड किए थे, तो वो मैं उस वक्त जवाब नहीं दे सका था, लेकिन बड़ा फन क्वेश्चन थे, और मैंने कहा बेस्ट होगा अगर बाबर भाई के साथ ये इसका जवाब दें। तो अब चलते हैं एक और देखते हैं क्या होता है। अभी हमारी बस ये ड्रिंक्स दोनों तैयार हो गई हैं, और आप लोग अंदर से भी दिखा दें कि ड्रिंक्स बनती हैं, लेकिन सबसे जो मैं बोलूँगा दिल से जो खुशी हुई है वो बात पे कि हमारे भाई हैं यहाँ, आपका नाम आरएस भाई जो है हमारे यहाँ, उनने कहा ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। हमने कहा यार प्लीज हमसे ले रहे यार, उन्होंने आए लेकिन उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया। आरएस भाई थैंक यू सो मच। क्लाउड एप्पल अगर आप लोग ट्राई कर दी, क्रीम वाली है, मज़ा आ गया। आपको पहली बात तो ड्रिंक कैसी लगी? और जब ATM में गए हुए थे ना, तो मैंने लोगों से पीछे पूछा कि अगर बाबर भी आएंगे तो उनसे सवाल पूछना है, जो आवाम ने पूछा है, मतलब व्यूअर्स से भाई जो पूछा है कि अगर आप यूट्यूबर ना होते तो आप क्या होते, ऑल्टरनेट करियर। अब बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, एक अलग ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन। बट इफ करंट अगर बताऊँ, व्हाट आई थिंक इज मोस्ट लाइकली अगर मैं होता हाँ, तो या तो बाबा की किसी दुकान में होता। ठीक है व्हाट रियली मेक्स यू एंग्री? ठीक है, हमने आपको आज तक वीडियोस में गुस्से में नहीं देखा, मैंने जिंदगी में वैसे ही कोई गुस्से में बहुत रेयरली कभी देखा है। हाँ, तो व्हाट इज दैट थिंग दैट मेक्स यू एंग्री? मैं बता देता हूँ, बड़े इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं पता है, जब सो रहा होता हूँ और मैं सर पे चलाने वाला हूँ। पर वो तो फिर आपकी डेली लाइफ है। रोजाना गुस्से में होता हूँ, लेकिन वो दिखता नहीं है, मतलब उसको पी जाना भी एक वो है। फिर उसके बाद जुलाई जब चला के मार रहा होता, सर में दर्द होता है, गुस्सा आ रहा होता है, उस वक्त तो ये कि वहाँ से खाने का मूड नहीं है, तो हमने क्योंकि बारहवीं ने कहा क्या बने क्या खाना है, बारहवीं ने बोला दाल चावल, तो दाल चावल खाए थे तो घर पे खा लेते, इतना दूर निकले क्यों? हम बाहर निकल के दाल चावल डिसाइड, तो अब हम जा रहे घर और वहीं जाकर दाल चावल खाएंगे। तो बाकी ये है कि जो भी आप लोगों से बात होती है ना, वो घर जाके ही होती है अब, ठीक है, क्योंकि अब पुलिस मुझे पकड़ लेगी, मैं ऐसे गाड़ी चला रहा हूँ, बहुत इल्लीगल है, फोन भी आते हैं। ठीक है, फाइनली हम आ गए घर, थोड़ा पेट पूजा हमने खुद अपनी कर ली। बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि ये तो बहुत ही नेचुरल सा ब्लॉग था जिसमें हमने बारहवीं को पहली बार चैनल पे लाए, कि जैसे हमने प्लान किया है बारहवीं के चैनल के लिए भी और मेरे अपने लिए भी गेमिंग वीडियोस का भी सोचा हुआ है, कुछ बड़े मजे के कंटेंट है जिसमें हम दोनों सोचा था कि यार हम ये साथ करेंगे तो बहुत फन होगा। हल्के फुल्के अगर हम नेम करें तो ये कोई फूड चैलेंजेस हो गए, कोई गाड़ियों से कोई चैलेंजेस हो गए, तो काफ़ी मजे का अभी कॉन्टेंट आने वाला है। ये तो क्योंकि अब एक छोटा सा ब्लॉग था,
होपफुली आप लोग पसंद आया होगा। बाहर भी आप सब लोग इतने शौक से वीडियोस देखते हैं, मैंने कहा अपने चैनल पे भी एक बार लाऊं। मुझे आपकी वीडियोस देखती है और बोलो और मेरी वीडियोस को देखनी था क्या? मेरे मजाक कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सपोर्ट दिया मैं ऑनेस्टली, इसी वजह से और बनाने का दिल चाहता है। तो अब ये है कि आप लोग बताओ कॉमेंट्स पे लिखो, अगर ऐसा कुछ देखना है तो ये निकालेंगे, कोई मसला नहीं। बाकी ये है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर होती है। अल्लाह हाफिज़।